इंदौर में आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा एक बार फिर कर्फ्यू को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते अब 10 दिन और जनता कर्फ्यू शहर में लागू रहेगा। बैठक को लेकर कलेक्टर और सांसद ने बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद जनता कर्फ्यू को और बढ़ाने का तय किया गया है। जिस प्रकार से अभी चल रहा है, इसी प्रकार से सख्ती के साथ लोगों को आगे भी रहना होगा। जितनी छूट अभी दी गई है, उतनी ही छूट आगे भी जारी रहेगी। साथ ही किराना दुकानों को लेकर कुछ नए नियम बनाए जा सकते हैं। वही इस दौरान लोगों का घरों से अनावश्यक निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज देख कलेक्टर ने शहर में 16 मई तक के लिए सख्त जनता कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किए। वहीं अब एक बार फिर 10 दिनों के लिए कर्फ्यू को बढ़ाया गया। कर्फ्यू को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि जनता कर्फ्यू बढ़ाया जाना चाहिए। जनता कर्फ्यू से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आई है। इस जनता कर्फ्यू के दौरान थोक दुकानदारों को छूट देने की सोची है। इसका फैसला हम बैठक के बाद लेंगे। इसमें जनप्रतिनिधियों के बीच में चर्चा चल रही है अभी किराना की दुकान के टाइमिंग को लेकर के। वो अभी जब संबानी जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। जैसा उनका निर्णय होगा उसको हम डालेंगे उसमें। हाँ, ये सहमति तो बन गई है कि 10 दिन एक्सटेंड किया जाए। बाकी ऐसे ही रहेगा जैसा अभी है, सख्ती वही रहेगी। और किराना की दुकानों का टाइमिंग जो वीक में 2 दिन था, उसको लेकर जनप्रतिनिधियों में आपस में चर्चा चल रही है। वो जैसा निर्णय करके मुझे अवगत कराएंगे, वैसे ही मैं उस प्रकार से आदेश जारी करूँगा। ठीक है, जिस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ सामने आ रही है, उसमें ये लग रहा है कि स्थिरता की ओर रहे हैं हम। आंकड़े बढ़ नहीं रहे हैं, उल्टा कम हो रहे हैं। पर इस पूरी चेन को तोड़ने के लिए कुछ समय और लगेगा, ताकि इतनी मेहनत और इतना साथ लोगों ने दिया है, शहर की जनता ने, ग्रामीण की जनता ने, मुझे लगता है थोड़ा साथ देंगे तो हम निश्चित तौर पर इस कोरोना की लड़ाई पर विजय प्राप्त करेंगे। उल्टा तो ग्रामीण के लोगों का ये मानना है कि भली थोड़ा और समय लगे, लेकिन ये चेन टूटना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है वातावरण बन गया है, लोग चाह भी रहे हैं।